एक चीज मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिर्फ नोटबंदी के प्रक्रिया पर है, परिणाम पर नहीं। अगर माफी मांगनी है किसी को, प्रधानमंत्री को मांगनी है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को जो उन्होंने तुगलकी निर्णय लिया, लाखों एमएसएमई का विनाश हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर का विनाश हुआ, लाखों परिवारों की रोजगार गई और हमारे अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ आज भी हम भुगत रहे हैं। अगर माफी मांगनी है सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यू इंडिया को मांगना है।